नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आसन की वर्तमान सरपंच सुश्री मनीषा मैडा व उनके प्रतिनिधि कचरू भाई मैडा के साथ पंचायत के मुद्दों एवं विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा के साथ। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत आसन और ग्राम पंचायत आसन के जो सरपंच प्रतिनिधि है कचरू भाई मैडा वो हमारे साथ है और उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि इनके 4 वर्ष की मुख्य उपलब्धियां क्या रही और आगे इनके क्या एजेंडे हैं, तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते। तो सरपंच साहब, पहले भी कभी राजनीति में रहे कचरू भाई या फर्स्ट टाइम राजनीति में या समाज सेवा कम? राजनीति में 2004 में मैं वार्ड पंच था, वार्ड नंबर 4 से, और शुरू से ही मैं राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे साक्षरता मिशन है, लोक जुम्बी से और ये गौ प्रजनन है, इस प्रकार के जितने भी कार्यक्रम है उसमें मैंने हमेशा रह करके गांव के अंदर एक जन जागरण पैदा किया, लोगों में विकास किया। और मुझे एक बार वार्ड पंच का भी मौका मिला और 2020 में मुझे ग्रामीणों ने सरपंच के पद पर बिठाया और सरपंच बनने के बाद मैंने सबसे पहली प्राथमिकता थी गाँव के अंदर नालियाँ और सड़कें बनाना। तो मैंने कम से कम 7 फीस सड़क बनवाए और 2 इंटरलॉकिंग ब्लॉकिंग है, 7 सिंचाई नालियां बनाई है, 1 सामुदायिक भवन बनाया है। दूसरी बात कि मैंने यहाँ वृक्षारोपण का भी काम किया है, साथ ही साथ 4 पुलियों का भी निर्माण किया, जो कि पहले पुराने में वहाँ लोग रास्ता नहीं था, आम रास्ता, वहाँ रास्ता बना करके पुलिया बना करके मैंने वहाँ लोगों की सुविधा की है, एक गांव से दूसरे गांव से जुड़ सके। जैसे तोड़ना है तो पहले यहाँ पानी में पैर रख करके लोग जाते थे, अब मैंने वहाँ पुलिया बना दिया है तो लोग ऊपर से जा रहे हैं। और मेरी प्राथमिकता है कि यहाँ स्कूल में बच्चे, मतलब जो है एक तो अध्यापकों की कमी है और हमारा जो विद्यालय भवन है वो 1952 से बना हुआ है तो बहुत पुराना हो चुका है। मैंने अभी ग्रामीणों के साथ मिलकर के कलेक्टर साहब के पास भी गए थे हम कि अवगत कराया कि ये पुराना बिल्डिंग है, उसको पूरा गिरा करके शुरू से ही 1 से लगाकर 12वीं तक की कक्षाएं नव निर्माण, नया कार्य प्रारंभ करके नई स्कूल बनाई जाए, इसके लिए मेरा प्रयास जारी है। अभी स्कूल का एक नया गेट बनाना है, उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। दूसरी बात, यहाँ जल मिशन का कार्य चल रहा है, वो बहुत ठंडा है, हमारा आसन पंचायत में अभी उसको नहीं के बराबर हुआ है। और जितने युवा हैं उनको आगे लाने के लिए मैं हमेशा प्रेरित करता हूँ। और हमारे यहाँ रामौर तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण के लिए मैंने वहाँ जो है वो तालाब सौंदर्यीकरण के लिए भी दे रखा है, ताकि वह तालाब की पाल पे जो है वो ग्रेवल हो सके, पत्थरों की और इसके किनाल बन सके और वहाँ लोग आए, एक दर्शनीय स्थल बने। और गांव के जितने मंदिर स्थल हैं वहाँ भी मैंने सब जगह, मतलब जो है गट्टी और आरसीसी करवा रखी है। और गांव के अंदर खेल मैदान है, अभी बाउंड्री का काम चल रहा है और समतलीकरण का काम चल रहा है, तो वो भी हो जाएगा। इसके बाद वहाँ भी खेलकूद प्रतियोगिता का प्रारंभ होगा, अभी 2 नाइट का वॉलीबॉल प्रतियोगिता हो रही है स्कूल मैदान में। इस प्रकार गांव के अंदर कोई भी कार्यक्रम हो, धार्मिक हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या युवा का कार्यक्रम हो, उसमें मेरी भागीदारी निश्चित रूप से रहती है और मैं हमेशा सहयोग करता हूं। जैसे आपने कहा कि युवाओं को मैं साथ लेके चलाऊं और युवाओं के लिए किया, तो कहीं कि अब की बार बात करते हैं, युवा सरपंच भी बने हैं, युवा हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कचरू जी अपने अगर बात करें तो युवा कहीं कहीं भटके हुए हैं, नशे की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? नशे की तरफ तो सर ये है कि एक तो मतलब जो है वो तो मोबाइल, ज्यादा मोबाइल का सेवन करने से उनके अंदर गलत गलत प्रकार की जो लत लग जाती है, जो मोबाइल में दिखता है वैसा कोई हकीकत होता नहीं है, लेकिन वो उस रास्ते पे चल निकलते हैं और आगे जा करके वो नशा करते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैं उन्हीं सभी युवाओं से यही निवेदन करता हूँ कि अपनों को ज्यादा करके खेल के अंदर ध्यान दो, पढ़ाई के अंदर ध्यान दो और अपने परिवार के अंदर ध्यान दो। ज्यादा इस प्रकार मोबाइल में ध्यान देने से धीरे धीरे उसमें क्या मानसिकता कमी हो जाती है, वो मतलब जो धीरे धीरे सुनना भी कम कर देता है और उसकी लाइन भी कर... ये कह सकते हैं कि मोबाइल की लत है, कुल मिलाकर मोबाइल जितना अपना आवश्यक है वो बहुत ही अच्छा सुझाव दिया आपने। हाँ सर, मेरे पास मेरा सादा मोबाइल है और है मेरे परिवार में, ज्यादा मैं मोबाइल का सेवन नहीं करता, जरूरत तो उतना ही, ज्यादा करने से क्या है नुकसान है अपने। तो इसके अलावा जैसे अगर अपन आसन ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो यहाँ बालिकाओं के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है, एजुकेशन के मामले में आज भी बालिकाएं कहीं कहीं पीछे रहते हैं? इसका मुख्य कारण है कि यहाँ सर क्या है कि एक तो पुरानी संस्कृति के हिसाब से लोग अभी भी जी रहे,
अभी भी बहुत जरूरत है उनको अंदर, मतलब जन जागृति पैदा करना, क्योंकि आज भी या किसान ज्यादा रहते हैं, पुरानी पद्धति से चलते हैं, तो जो समझते हैं कि बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है फिर शादी के बारे में सोचते हैं, फिर उसकी जिंदगी बिगड़ जाती है, फिर वो आगे विकास नहीं कर पाती है, और जल्दी शादी हो जाती है, जल्दी माँ बन जाती है, तो फिर उसका वो प्रोग्रेस रुक जाता है। यही कारण है गांव के अंदर अभी भी मतलब कुरीतियां अंधविश्वासों में जीते अभी भी है। क्या कहना चाहेंगे आप तो इसके इसको लेकर के? हाँ, मैंने इसके लिए युवाओं को जागृत किया है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को युवा ही सही दिशा दे सकती है, और मैं उनके साथ हूँ, और सब युवा चाहते हैं कि एक एक मौका और मिल जाता है तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारी कमी आ जाएगी। इसके अलावा जैसे महानरेगा एक योजना बहुत बड़ी योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा ज्यादातर क्रियान्वित होती है, लोगों को किस प्रकार से यहाँ रोजगार मिला है अब तक, और क्या विकास में नरेगा के माध्यम से? एक तो जो गांव के अंदर जो आसपास जो बेड बंदियां है, सीपेज नालियां है, ये इससे मतलब जो है कुछ फायदा हुआ लोगों का, क्योंकि नरेगा की लेबर से ही जो मेड बंदी का काम होता है, जो खेतों के अंदर किस प्रकार के पत्थर है ये सब साफ सफाई का काम वो उससे होता है, और कई मकान का निर्माण का काम हो तो भी इस नरेगा से लोगों को राहत मिली है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि नरेगा में पहले की तरह इतने काम नहीं आ रहे, उसका बजट बहुत कम हो गया, इससे लोग अभी भी मतलब जो है दिन बढ़ा दिए भले ही, लेकिन लोगों के 100 दिन पूरे नहीं हो पाते किसी कारणवश। इसके अलावा जैसे सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं भी है, शासन में जैसे प्रधानमंत्री आवास वगैरह, इनका लाभ स्वच्छता के मामले में पंचायतों को क्या? इसके मामले में सर मैं सरपंच बना, एक ही बार किस्त आई है 100 लोगों का आवास मिला है, इसके बाद तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से कोई किस्त जारी नहीं हुई आज तक। इससे हमारे जितने सरपंच बने हम भी, हमारा भी माइनस पॉइंट है, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, आवास नहीं आ रहे, खाली कागजों में या भाषणों में होता है इतने आवास दिए उतने दिए, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपकी बार राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से सरकार आई है, अपने भाजपा की सरकार बनी है, और केंद्र के अंदर भी कहीं ना कहीं अब तक अपने भाजपा की सरकार है, तो कुछ लग रहा है कुछ परिवर्तन आना चाहिए? ऐसा सुनने में आ रहा साहब कि अब डबल इंजन की सरकार है, तो इतने दिन तो पैसा रोक रखा था कि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ बीजेपी की थी, तो हो सकता है वो बजट नहीं दिया किसी कारणवश, लेकिन अब ऐसा सुनने में आया है कि अब डबल इंजन की एक सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, तो निश्चित रूप से उनको जो आवास में नाम नहीं उनके भी जुड़ेंगे, और जिनको आवास नहीं मिला वो मिलेंगे, ये बात चर्चा में है, लेकिन लागू कितनी होती है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और वर्तमान में अगर बात करें गढ़ी विधानसभा की, तो यह भी एक सौभाग्य की बात है कि आपके यहाँ गढ़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से केला जी विजय हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि केला जी का व्यक्तिगत व्यवहार भी ठीक है साहब, पार्टी से ऊपर उठ के उन्होंने काम किया, जो भी है वो अच्छे सरल स्वभाव के है, और उनकी जीत उनकी मतलब जो है व्यक्तिगत जीत है। और इसमें क्या है कि यहाँ गढ़ी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे स्वर्ण ज्यादा है, यहाँ पर दूसरी पार्टियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, दो ही पार्टियां प्रमुख है, कांग्रेस और बीजेपी। तो यहाँ अगर अब की बार बात करें इस क्षेत्र के अंदर, तो बीटीपी या बाप पार्टी है, उन्होंने भी दस्तक दी है? हाँ दिए ना सर, वो हमारे आपसी फूट के कारण दिए, वो लोग भड़काने का काम करते बीटीपी वाले, भाई बीजेपी में भी एसटी का कैंडिडेट है, कांग्रेस में भी है, तो बाप पार्टी में वो भी एसटी का ही तो है, लेकिन वो अपनी पार्टी बता करके उसका फायदा लेना चाहते हैं, इसीलिए आज ये कांग्रेस बीजेपी पिछड़ रही है। इसका मुख्य कारण है कि वो अपनी पार्टी क्षेत्रीय आदिवासी, हम आदिवासी ही बताते ऑलरेडी एसटी की ही है, बीजेपी में भी एसटी है, कांग्रेस में भी एसटी है, कोई पार्टी हो एसटी का ही क्या। के सरपंचों को तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी पार्टियों को बुला करके अपने पंचायत का जो है विकास उस पर ध्यान देना चाहिए। बस पार्टी अपनी जगह होती है, सरपंच का काम होता है अपने गांव के अंदर ज्यादा से ज्यादा विकास कैसे करवाए उसके बारे में मंथन करना, उसके बारे में सोचना है, पार्टियों से दूर रह करके भी अच्छा काम करना है, क्योंकि पार्टियां व्यक्तिगत राजनीति हो जाती है, कोई व्यक्ति एक पार्टी से जुड़ जाता है दूसरी पार्टी वाला नाराज होता है, इससे गांव का विकास रुकता है। तो सरपंच इसलिए तो चंबल पर नहीं लड़ता है, सरपंच गांव के हित में रख करके काम करता है, और मैं तो यही कहूंगा पार्टी कोई भी हो हर सरपंच से यही चाहेगा कि अपने गाँव का विकास ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, और मैं इसी प्रयास में लगा हुआ हूँ कि मेरे गाँव का विकास अच्छे से हो और कोई कमी नहीं रहे विकास के मामले में, चाहे वो शिक्षा संबंधी हो, चाहे सिंचाई नाली के संबंधी हो, चाहे स्वच्छ भारत के संबंधी हो,
सब में हर काम में अग्रणी हमारा गांव रहे, यही मेरी इच्छा है, यही चाहता हूं मैं। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत आसन के जो सरपंच प्रतिनिधि है कचरू भाई मेड़ा, जिनका कहना है कि मेरे गांव को मैं हर तरह से आगे लाना चाहता हूं, विकास के मामले में विशेष तौर से शिक्षा को लेकर, साफ सफाई को लेकर, यानी इस प्रकार की पंचायत बनाना चाहता हूं कि जिले यानी जिला या राज्य के अंदर मेरी पंचायत है उसका नाम रोशन हो। धन्यवाद सर, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।